हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, dy ओवर dx इक्वल्स टू xy प्लस y अपॉन xy प्लस x, देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा करेक्ट है ये नहीं पता, साथ में सॉल्व करती है फिर निकालते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तुमको सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे पहले उसको लिख लेते हैं और जो पूछा गया उसको फिर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। तो dy ओवर dx तो यहाँ से अगर देखें तो 5 माइनस एक्स ही रहा, प्लस में ये हो जाएगा बस लॉन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब ये कैसे हो गया भैया, इसकी प्रॉपर्टी होती है आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। इससे यहाँ से हम जब जो करें हैं ना वो होता है बस में लॉग ऑफ ए माइनस में लॉग ऑफ बी, ये बस होता है लॉग ऑफ ए अपॉन में बी। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, आपको याद रखनी होगी। ठीक है, आप कोई भी बेस लगा ले, अगर हम यहाँ पे एन लिख रहे हैं मतलब लॉग बेस ई है, ई चल रहा है। ठीक है, लॉग बेस ई चल रहा है अभी। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने पाई माइनस एक्स प्लस में लॉन ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी डैश हमने निकाल लिया। पाई माइनस एक्स को एज इट इज रखते हैं और जो लॉग वाला टर्म था उसको सी डैश की तरफ भेज देते हैं। तो सी डैश माइनस में लॉन ऑफ वाई अपॉन के। अब ये सीरियस है ना, अब सीरियस हमें हमने देखा यहाँ तक हमने निकाल लिया, हमें ऑप्शन देखे तो ऑप्शन से हमें बस क्या है, जो कांस्टेंट है ना वो भी लॉक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉक के अंदर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है, जो सीरियस है लॉक के साथ असाइन हुआ पड़ा है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो सीरियस है, मैं सीरियस को मान लेता हूँ ये लॉग ऑफ के की वैल्यू, क्योंकि लॉक के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लॉग ऑफ के भी कांस्टेंट और लॉग ऑफ के की जो वैल्यू है उसको मैंने सीरियस में स्टोर कर रखा था, जो कि मैंने पहले बताया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ रही है तो सीरियस में लॉग ऑफ के मैंने स्टोर कर दी। ठीक है, आप कर सकते हैं कौन से साथ कोई खिलाफ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या हो गया, वाई माइनस एक्स इधर रहा, इधर में बस क्या हो गया लॉग ऑफ के हो गया, क्योंकि सीरियस में हम डाल देते हैं माइनस में लॉन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब आपको फिर से प्रॉपर्टी लगानी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो यहाँ पर फिर लगाएंगे तो जाएगा बस वाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग, ये लॉन लॉग बेस ई है, ध्यान रखना ये लॉग बेस ई है, मतलब कि एल नहीं चल रहा है, लॉन ही चल रहा है, तो मैं लॉन ही लिख देता हूँ सीधे। ये बस क्या हो जाएगा लॉन ऑफ के होल अपॉन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो ये एक्स है ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से बस क्या हो गया वाई माइनस एक्स लॉग बेस ई लिख रहे हैं, बार क्वालिटी में बताऊंगा, ये बस हो जाएगा के इंटू एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, तो समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे भैया, अब हमें के एक्स वाई और वाई माइनस एक्स हमें लॉग नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ एंटी लॉग ले रहा हूँ। एंटी लॉग लेते समय क्या होता है, जो यहाँ पे बेस होता है ना ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है जिधर भी आप ले रहे, मतलब आर एच एस में हम एल एच एस में एंटी लॉग लेंगे तो एल एच एस में डिफरेंस होगा चेंज, तो ये जो है ना ये बेस, ये इसको अपनी जो भी पूरा एक्सप्रेशन है इसको अपनी खोपड़ी में बैठा लेगा, मतलब कि क्या ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू के एक्स अपॉन में वाई। इतना समझ आना चाहिए आपको पहले, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की जो कि आपको याद रखनी होती है। ठीक है, पर ई की जगह 10 होता तो आप 10 की पावर लिखते वाई माइनस एक्स। अभी हमने क्या लिया यहाँ से, यहाँ तक हमने बस एक चीज दिया है एंटी लॉग लिया है, एंटी लॉग उसको कह देते हैं आप एंटी लॉग। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना एंटी लॉग लॉग में, तो आप ऐसे ध्यान ही मत रखिए, आपको क्या करना, लॉग चाहिए नहीं ना भैया, जो इसका बेस है इसको ले और इसकी खोपड़ी बैठा दे, इस एक्सप्रेशन को बस ये करना आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया इतना। अब हमें क्या निकालना है, हमें वाई निकालना है एक साइड में और एक साइड में सारे एक्सप्रेशन एक साथ करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे वाई ये डोमेटर में तो वाई को इधर भेज देता हूँ, इधर हो गया मेरे पास में, इधर मेरे पास क्या हो गया के इंटू एक्स। अब यहाँ पर जो ई है ये क्या है, यहाँ पर न्यूमेरेटर में तो जाएगा डोमेटर होगा, तो इधर मैं इसको न्यूमेरेटर लेना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा जो साइन है ना रिवर्स हो जाएगा माइनस वाई। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन में पास जो है के की जगह पर सी यूज किया गया, तो आप यहाँ पर सी भी लिख सकती है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट आपको कुछ रिप्लेस कर सकती है। अगर आपको ये समझ आएगा ई की पावर तो भैया फाइव माइनस एक्स थी, तो वाई माइनस एक्स की पावर थी, अब इसको हम ई को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि न्यूमेरेटर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई लगेगा पूरे एक्सप्रेशन के जो पावर के साथ, तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, तो इधर से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई भी कुछ आपको चीज के लिए आपको क्या होगा, अगर आपको इस सजेशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकती हैं। सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में डॉट को के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।